दोस्तों अभी मैं मेरे गांव की एक रामनाथ रंगनाथ दिए इनके इस कुएं के बाजू में हूँ। ये कुआ लगभग 60-70 फीट खोल है और अभी ये भर चुका है, बहुत ऊपर पानी है। तो इसमें एक जहरीला करेट स्नेक यानी कॉमन करेट स्नेक मन्यार सांप अभी गिर चुका है। ये मेरे इस बाजू में है, मैं आपको तुरंत दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ से जो एक छेद है, उस छेद से ये अंदर आया होगा और अभी वो बहुत ही बीमार लग रहा है, नाजुक स्थिति में है एकदम। तो इसके कारण वो वापिस नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे वो बैठा है, मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। तो इसे हम पकड़ेंगे और तुरंत ही जंगल में छोड़ देते हैं। तो आप देखते रहिए कि जहरीले सांपों को हम कैसे पकड़ते हैं। दोस्तों ये है मन्यार सांप यानी करेट स्नेक। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। तो इस कुएं की गहराई लगभग 60 से 70 फुट है और इसमें बहुत ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ऊपर लगभग डेढ़ डेढ़ या 2 ही फुट का पानी भरना भी बाकी है। तो इसी कारण इसे पकड़ने में भी मुझे आसानी हो रही है। लेकिन सांप ज़्यादा दिनों से इस कुएं में गिरने के कारण इसके शरीर पर सफ़ेद कलर की एक परत बन गई है और इसके आँखों पर भी सफ़ेद कलर की परत है। तो चलो मैं इसे अभी तुरंत पकड़ लेता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, ये जहरीला सांप है। हमारे भारत में पाया जाने वाले सबसे ज़्यादा जहरीले जो सांप है, 4 सांप, उनमें से एक सांप करेट स्नेक यानी मन्यार सांप। इसके काटने के कारण ही सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। तो चलो इसको मैं तुरंत रेस्क्यू कर लेता हूँ। देखा आपने, इस लकड़ी के ऊपर वो ग्रिप लग चुका है और मुझे पकड़ने में भी बहुत आसानी हुई। एक बार मैंने इससे पहले यहीं पे इसको पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पूंछ पकड़ते वक्त मेरे हाथ से वो छूटा था। और दूसरी बार मैंने इस लकड़ी का इस्तेमाल किया और बहुत आसानी से ये इस लकड़ी के ऊपर आ गया है। तो लकड़ी मेरे हाथ में होने के कारण मैं कैमरे के पास आपको ज़्यादा नज़दीक दिखा सकता हूँ, तो आपको वो अच्छे से दिखाई देगा। इसका कलर जो है, ये काला और नीला ऐसा मिक्स रहता है। तो दूर से देखने पर ये काला ही दिखता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है नीले कलर का भी। तो इसका आप सिर देख सकते हो, सिर के ऊपर जो है वाइट कलर की कोई भी पट्टी नहीं होती, लेकिन इसके सिर के पीछे थोड़ा अगर अंतर छोड़ा जाए 1 इंच या 1.5 इंच का, तो उसके बाद वाइट कलर की कुछ धब्बे या पट्टियाँ शुरू होती है और वो पीछे की तरफ डार्क होती जाती है। और इसमें गौर करने वाली और भी एक बात है कि जो पट्टियाँ इसके शरीर पर वाइट कलर की दिखती है, वो आगे आगे तो एक लाइन जैसी ही दिखती है, लेकिन पूंछ की तरफ जाते वक्त ये डबल होती जाती है। तो अगर ये हम समझ लें और ये अगर हम समझ लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये मन्यार यानी जहरीला सांप है, करेट स्नेक है, कॉमन करेट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलो अभी इसको मैं तुरंत ही एक बैग में भर के एक अच्छी सी जगह पे छोड़ देता हूँ। ये जो कुआं है, रामनाथ रंगनाथ दिगे, ये हमारे तलेगांव की ही एक जाने माने इंसान है। तो इनके ये कुएं में सांप गिरा था, तो हमने इसे तुरंत पकड़ लिया। दोस्तों अभी इस सांप को मैं इसके सिर के ऊपर एक छोटी सी लकड़ी डालकर थोड़ा सा दबाता हूँ। याद रखिए, मैं इसको ज़्यादा नहीं दबा रहा हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा दबा रहा हूँ। अभी देखिए, मुझे इसका सिर जो है ये अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, तो इसके कारण अभी यहाँ पे दिखा है, तो दिखने के कारण मैं इसे अच्छी तरीके से पकड़ रहा हूँ। जहरीला सांप पकड़ने की भी एक कला होती है दोस्तों। तो इसका सिर जो है, इस तरीके से हम पकड़ते हैं कि
इसके जो सिर के नीचे है यानी गले को हम कोई भी चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि इसका जो सिर है अगर सिर के ज़्यादा पास पकड़ते हैं तो भी इसके जहरीले दांत हमारे उंगलियों में घुस सकते हैं और ज़्यादा पीछे पकड़ने के कारण सांप घूमकर हमें काट सकता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान में रखकर ही इसे पकड़ना होता है। और जब हम सांप जहरीले सांप के ऊपर कोई लकड़ी या कोई भी चीज़ रखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उस दौरान प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है, बहुत ही सावधान रहना पड़ता है कि उस सिचुएशन में क्या करना है। तो ऐसे तरीके से हम सांप पकड़ते हैं। जब नए नए सर्प मित्र होते हैं तो वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ जो है हादसा भी हो सकता है। तो ये देखे पहले सर्प मित्रों के साथ घूमें, उनके साथ कुछ सांप रेस्क्यू करें तो आपको अपने आप ही एक अनुभव होकर आप भी वो इस तरीके के जहरीले सांप पकड़ना खुद ही सीख जाएंगे। अभी इस बॉटल को हम छेद बना रहे हैं ताकि इस सांप को यहाँ से छोड़ने की जगह तक ले जाने के लिए जो टाइम चाहिए, और हमारे पास अभी बैग भी नहीं है तो इसके कारण इसको छेद बनाकर इसको छोड़ेंगे इसमें, और एक 10-20 मिनट के अंदर इसको एक अच्छी जगह पे छोड़ देंगे। इस तरीके के और भी इस बॉटल को हमने छेद बना लिया है। दोस्तों अभी हमने सांप को इस बॉटल में बंद कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ सांप को उस जगह तक छोड़ने के लिए, ये रिलीज करने तक ही है। हम इसे 10 या 20 मिनट में तुरंत छोड़ देने वाले हैं। और यहाँ पे इसको हवा जाने के लिए यहाँ पे होल बनाया है, और बाकी भी आजू बाजू जगह पे 10-15 हमने होल बना दिया है, तो इसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसको एक अच्छी जगह पे हम छोड़ देते हैं, बहुत ही जहरीला सांप है।